डीसी मोटर या मोटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। मैकेनिकल एनर्जी को हम मोशन भी कह सकते हैं। किसी भी चीज़ में मोशन हो रही होती है तो उसमें मैकेनिकल एनर्जी होती है। तो ये मोटर की डेफिनेशन क्या है? मोटर इज़ एन इलेक्ट्रिक डिवाइस दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी और मोशन। इसको डीसी को डीसी मोटर क्यों कहते हैं? डीसी मोटर वर्क्स ऑन डीसी सप्लाई। ये डीसी सप्लाई और एसी सप्लाई का हमारे कोर्स में दो तीन जगह जिक्र आएगा, अभी इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। आपको जो बैटरी, गाड़ी की बैटरी अगर आपने देखी होगी उस पर 12 वोल्ट लिखे होते हैं। हमारे मोबाइल की जो बैटरी होती है उस पर 3.7 वोल्ट लिखे होते हैं, और अगर आप देखें उस पर यूँ निशान भी बना हुआ होता है इसके बराबर में यूँ सीधा। इससे मुराद ये होती है ये डीसी है, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा जी। जैसे अगर ग्राफ में बनाऊँ ये टाइम है और ये मेरा वोल्टेज है, तो डीसी का मतलब है आप जितना भी टाइम गुजर जाए वोल्टेज 12 वोल्ट ही रहेगा, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। एसी का मतलब है जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वोल्टेज की वैल्यू चेंज हो रही है। यहाँ मैक्सिमम हो गई, जीरो से स्टार्ट हुआ, यहाँ मैक्सिमम हो गई, फिर कम हुई, यहाँ जीरो हो गई, फिर नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम हो गई। अब ये चलता रहेगा, जिस तरह अभी साइन आपने वेव्स पढ़ी थी ना, पॉजिटिव साइकिल, नेगेटिव साइकिल, फिर पॉजिटिव साइकिल, फिर। तो एसी वोल्टेज को कहते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। एसी का क्या मतलब होता है? ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टर का मतलब ये होता है कि ये चेंज हो रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव, और मैग्नीट्यूड भी क्या हो रहा था? वेरी हो रहा होता है। अब अगर मैं करंट निकालूं, तो हम ओम्स लॉ में पढ़ चुके हैं कि आई बराबर होता है वी अपॉन आर, ऐसे ही है ना। अगर आर कांस्टेंट है, आपने किसी बल्ब के साथ, पंखे के साथ जोड़ दिया डीसी को, तो आर तो उसका क्या हो गया? फिक्स। वी भी फिक्स है, तो करंट क्या होगा? वो भी क्या हो जाएगा? फिक्स हो जाएगा। आई कांस्टेंट होगा डीसी सप्लाई के लिए अगर आप आर को चेंज नहीं कर रहे। तो अगर डीसी सप्लाई के लिए आपने करंट चेंज करना है, फिर आपको क्या करना पड़ेगा? आर को चेंज करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? करंट चेंज करने के दो तरीके हैं, या वी चेंज कर दो या अब अगर आर आपने फिक्स किया हुआ है और आपने सप्लाई डीसी जोड़ दी, तो डीसी का मतलब है वी भी चेंज। जब वी भी चेंज नहीं होगा तो इसका मतलब है वी और आर दोनों कांस्टेंट है, तो आई भी फिक्स हो जाएगा। हाँ, अगर आप एसी से जोड़ देंगे, अब आर भले कांस्टेंट है, वी की वैल्यू चेंज हो रही है, तो आई की वैल्यू भी। तो करंट चेंज कराने का सबसे आसान तरीका ये है कि एसी सप्लाई जोड़ दो, सही है। रजिस्टर फिक्स रहती है नॉर्मली पंखे की, जब बन गया पंखे की जो रजिस्टर है वो फिक्स हो गई, वो चेंज, जो कॉयल आपने इसमें लपेटनी थी वो लपेट दी, इसकी रेजिस्टेंस तो अब चेंज। तो अगर आपने इसका करंट वेरी करना है, क्या तरीका है? एसी सप्लाई लगा दो। समझ आई बात? अच्छा, तो ये एसी और डीसी का फ़र्क है। ये हमें अभी काम आएगा एक दो टॉपिक समझने के लिए, आज या कल भी काम आएगा, तो इसलिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया। मोटर काम कैसे करती है? जो टॉर्क हमने पढ़ा, जिससे हमने गैल्वेनोमीटर भी समझा, डीसी मोटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक टॉर्क प्रोड्यूस्ड इन अ करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब हमारी अजम्पशन क्या है कि लेफ्ट साइड हमारा राइट साइड हमारा नॉर्थ पोल है और लेफ्ट साइड हमारा साउथ पोल है। ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, और ये जो कॉइल है, मैं इस रजिस्टर से कॉइल को रिजेंबल करता हूँ कि ये मेरी कॉइल है। ये कॉइल मैंने यूँ रखी है, डायग्राम यूँ बनी हुई है, ये समझ यूँ रखी हुई है। तो इसमें करंट, यहाँ मैंने बैटरी जोड़ दी, फर्ज करें कि अभी कंडीशन ये है कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो करंट इस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में वापस आएगा, ठीक है। तो मेरे करंट की डायरेक्शंस ये हो गई, इस वाली साइड में से करंट यूं जा रहा है, इस वाली साइड में से करंट यूं जा रहा है। मेरे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है? यहाँ पर। तो अगर हम अपना राइट एंड थंब रूल लगाएं, तो फील्ड की डायरेक्शन में क्या होनी है? उंगलियाँ, सही है। करंट की डायरेक्शन में क्या होना है? थंब। करंट की डायरेक्शन में क्या होना है? थंब। तो ये फील्ड और ये थंब, तो यहाँ फोर्स कहाँ लगेगी? ऊपर। और ये फील्ड और ये थंब, तो यहाँ फोर्स क्या लगेगी? नीचे, सही है ना। तो यहाँ करंट की डायरेक्शन यूँ है और यहाँ करंट की डायरेक्शन यूँ है। अब इस पॉइंट पे फोर्स लगेगी ऊपर। अब आ जाओ यार एक आदमी, ठीक है, इसको पकड़ना यहाँ,
या नीचे, ठीक है ना, ऐसे ही हो रहा है। अब मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ, अब देखें इस कॉइल में देखना करंट ऊपर है, मैंने इसको रोटेट किया, यही होगा ना, ये नीचे दबा रहा है, ये ऊपर दबा रहा है, तो कॉइल क्या होगी, रोटेट होगी, रोटेट होगी, रोटेट होगी, रोटेट होगी, रोटेट होगी, रोटेट होगी। अब देखें इस पॉइंट को देखें, यहाँ क्या हो रहा है, अब यहाँ भी करंट, वही कॉइल इधर आ गई, अब यहाँ करंट ऊपर है और यहाँ करंट नीचे, तो अब भी अगर वही सिचुएशन है क्या होगा, तो ये इसको ऊपर और ये नीचे, तो ये तो इसको वापस ले आएगा, ये इसको क्या करेगा, तो होना क्या चाहिए, जब ये इस करंट में आए, ये जिस डायरेक्शन में आए, तो करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाए, जब करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो फिर वही सिचुएशन हो जाएगी कि यहाँ वाली फोर्स क्या हो जाएगी ऊपर और यहाँ वाली फोर्स क्या हो जाएगी नीचे। एक्चुअल में इस पॉइंट के बाद, इस पॉइंट के बाद अगर ये फोर्स ऊपर ही लग रही है और ये नीचे लग रही है, तो ये तो वापस आएगा, ठीक है, जज़ाकअल्लाह। तो हमें करंट की डायरेक्शन को क्या करना है, रिवर्स करने की ज़रूरत है, सही है ना, यहाँ फोर्स ऊपर है, यहाँ फोर्स नीचे, तो ये यूँ घूम रहा है। अब अगर यही कंडीशन रहे कि यहाँ भी फोर्स ऊपर और यहाँ फोर्स, तो ये तो वापस आएगी, तो होना क्या चाहिए, हमें इस करंट के डायरेक्शन को क्या करने की ज़रूरत है, रिवर्स करने की ज़रूरत है। तो वो वीडियो में इंशाल्लाह हम पहले ही देख चुके हैं, लेकिन जब मैं अपलोड करूँगा तो ये लेक्चर पहले आएगा, वो बाद में आएगा, उसमें हमने डिटेल में देख लिया है कि जब ये कंडक्टर यहाँ आए तो इसके करंट की डायरेक्शन चेंज हो, ताकि कॉइल वापस ना आए, कॉइल उसी डायरेक्शन में क्या करे, घूमती जाए, ठीक है, ओके, जज़ाकअल्लाह।